अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखिए आज आपके लिए टू कलर का निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ये देखिए इसकी फ्रंट साइड है और ये देखिए इसकी बैक साइड है। इसे आप लेडीज़ सूटर पर डालिए, बच्चों के सूटर में डालिए, बच्चों की टोपी मोज़ा सभी प्रोजेक्ट पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जेंट्स सूटर पर आप इसे डाल सकते हैं। ये देखिए इसकी ये टू टू के मल्टीपल का ये डिज़ाइन है। इसमें कोई प्लस कोई माइनस नहीं है। आपको जितने फंदों की ज़रूरत है आप उतने फंदे लेकर इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आपको दिखाने के लिए ये जाली छोड़ कर रखी है कि इसी तरह से ये जाली आएगी, उस पर ये डिज़ाइन बनेगा। चलिए देखते हैं डिज़ाइन कैसे बनता है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई पर हमने 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 यानी 14 फंदे हमने डाले हुए हैं। बैक साइड पर हैं, बैक साइड से ये रो पूरी सीधी सीधी बुनेंगे। ये पहला फंदा स्टिच है, ये देखिए इस तरह से ये रो पूरी सीधी सीधी बुनेंगे। ये देखिए ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। इसी तरह से आप देखते रहिए, डिज़ाइन इसी तरह से बनेगा। बैक साइड से किस तरह से बनेगा, फ्रंट साइड से किस तरह से बनेगा, यही रो में आपको पता चलेगा। देखिए डिज़ाइन बनने से पहले पहले ये बैक साइड से देखिए पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनेंगे। तो इस डिज़ाइन में भी इसी तरह है, बैक साइड से पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनेंगे। आ गए फ्रंट साइड पर, अपनी सेकेंड रो पर। ये देखिए पहला फंदा स्लिप किया, ये रो पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे। ये देखिए ये फ्रंट साइड पर हैं, फ्रंट साइड से ये रो पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे। ये देखिए हो गया। अब आ गए अपनी थर्ड रो पर। थर्ड रो से ये पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे, बैक साइड से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए चलिए अब आप ये तो पूरा हो गया। अब देखिए डिज़ाइन किस तरह से बनता है। पहला फंदा हमने स्लिप किया, अब ये देखिए दो फंदों का एक करेंगे। ये देखिए दो फंदों का एक कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने कोई जाली नहीं डाला, सिर्फ दो फंदों का एक किया। धागे को एक बार सिलाई पर लपेटा, इन दो फंदों का एक करेंगे, एक जाली बनेगी। ये देखिए एक फंदा हमने स्लिप किया, दो फंदों का एक किया, एक बार धागे को लपेटा, फिर दो फंदों का एक किया, फिर धागे को एक बार सिलाई पर लपेटा, दो फंदों का एक करेंगे, फिर एक बार धागे को सिलाई पर लपेटा, इन दो फंदों का एक किया, धागे को एक बार सिलाई पर लपेटा, दो फंदों का एक किया, धागे को एक बार सिलाई पर लपेटा, दो फंदों का एक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने पहला फंदा स्लिप किया था, फिर दो फंदों का एक किया था, यहाँ पर हमने कोई जाली नहीं डाली थी, तो यहाँ से फंदा घटा है, यहाँ पर फंदा बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए हमने एक जाली डाली, दो फंदों का एक किया, अब यहाँ पर एक फंदा बचा हुआ, तो एक बार धागे को लपेटा, एक फंदा सीधा, यहाँ पर फंदा घटा था, यहाँ पर फंदा बढ़ गया। अब आ गए अपने बैक साइड पर आ गए हैं। बैक साइड से देखिए पहला फंदा स्लिप किया, धागा पीछे, ये रो पूरी सीधी सीधी बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए ये रो हमने पूरी सीधी सीधी बुन ली है, हो गया।
अब आ गए फ्रंट साइड पर। फ्रंट साइड से देखिए, फ्रंट साइड से अपना सेकंड कलर लगाएंगे। ये देखिए सेकंड कलर में पहला फंदा हमने इस तरह से बुन लिया, हो गया। अब ये देखिए जाली दिख रही है, अब इसमें सिलाई डालेंगे। सिलाई डालकर ये देखिए एक फंदा खींचा, फिर एक बार धागे को लपेटा, फिर एक फंदा खींचा इस तरह से, हो गया। अब ये देखिए दो फंदा स्लिप करेंगे, एक दो फंदा हमने स्लिप किया। ये देखिए जाली वाला फंदा ये जाली के पास है और एक ये फंदा है। फिर देखिए इस तरह से एक फंदा खींचा, धागे को एक बार लपेटा, फिर सिलाई इस तरह से ले गए, एक तीन फंदा हो गया, एक दो तीन, दो फंदा स्लिप किया, एक दो फंदा हमने स्लिप कर लिया। फिर देखिए इसी तरह से एक फंदा खींचा, धागे को एक बार लपेटा, दो हो गया, फिर एक फंदा खींचा, तीन हो गया, फिर इन दो फंदों को हमने स्लिप कर लिया। ये देखिए हो गया। फिर धागे सिलाई को इस तरह से ले गए जाली के अंदर, ये देखिए एक फंदा खींचा, धागे को एक बार सिलाई पर लपेटा, दो हो गया, फिर देखिए एक फंदा खींचा, तीन हो गया, फिर ये दो फंदा स्लिप किया। फिर देखिए इसी तरह से ये देखिए एक फंदा खींचा, धागे को एक बार सिलाई पर लपेटा, दो हो गया, अब एक फंदा खींचा, तीन हो गया, इन दो फंदों को हमने स्लिप किया। यहाँ पर भी वही है, देखिए इस तरह से खींचा, धागे को एक बार लपेटा, ये हो गया तीन। ये देखिए दो फंदा हमने स्लिप किया, ये एक फंदा इसको हम सीधा बुन लेंगे, हो गया। आ गए बैक साइड पर। बैक साइड पर देखिए, ये देखिए पहला फंदा स्लिप किया, अब ये दोनों फंदा भी हम स्लिप करेंगे। ये दोनों फंदा भी स्लिप किया, अब देखिए ये तीन फंदा क्रीम वाला, तीन फंदा और एक ये पर्पल वाला, एक ये, चार फंदों का हम एक करेंगे इस तरह से। ये फिर देखिए एक फंदा ये बचा, इसको स्लिप करेंगे। फिर ये तीन फंदा क्रीम कलर का और एक फंदा पर्पल, इन चार फंदों का एक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पर्पल एक बचा हुआ है, इसको स्लिप करेंगे। यहाँ पर देखिए पर्पल दो कलर बचा हुआ है ना, सॉरी दो बचा हुआ है पर्पल कलर, तो ये देखिए तीन फंदा ये क्रीम और एक फंदा ये वाला, चार फंदों का एक किया, एक फंदे को स्लिप किया। फिर देखिए चार फंदों का एक किया, एक फंदा स्लिप किया, चार फंदों का एक किया, एक फंदे को स्लिप किया। अब यहाँ पर देखिए हमने एक फंदा, पहला फंदा क्रीम कलर से बुन लिया था, अब इन चारों फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए डिज़ाइन इस तरह से आया है। आगे फ्रंट साइड पर। फ्रंट साइड से देखिए, पहला फंदा हमने स्लिप किया, धागे को एक बार सिलाई पर लपेटा, यहाँ से अपना सेकंड कलर लगेगा, पहला कलर, सॉरी पहला वाला ये पर्पल कलर, इसको इस तरह से पहला बुनेंगे इस तरह से। धागे को एक बार सिलाई पर लपेटा, इन दो फंदों का एक करेंगे, फिर धागे को एक बार सिलाई पर लपेटा, इन दो फंदों का एक कर दिया, फिर एक बार धागे को सिलाई पर लपेटा, दो फंदों का एक कर दिया, एक बार धागे को सिलाई पर लपेटा, दो फंदों का एक कर दिया, एक बार धागे को सिलाई पर लपेटा, दो फंदों का एक कर दिया, फिर एक बार धागे को सिलाई पर लपेटा, इन दो फंदों का एक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर तो हमने एक फंदा सीधा बुना था, फिर एक जाली डाल दी थी यहाँ पर, अब यहाँ पर एक फंदा है, यहाँ पर जाली नहीं बनेगी, तो हमने सीधा बुन लिया। आगे बैक साइड पर। बैक साइड पर देखिए, पहला फंदा स्लिप किया, धागा पीछे ले गए, ये रो पूरी सीधी सीधी बुनेंगे इसी तरह से। ये देखिए ये देखिए ये रो पूरी सीधी सीधी बुनेंगे, ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो है।
क्या आ गया फ्रंट साइड पर। फ्रंट साइड से देखिए पूरी रो उल्टी उल्टी, ये डिज़ाइन की सेकेंड रो है, ये देखिए पूरी उल्टी उल्टी। बैक साइड से भी हमने उल्टा उल्टा सीधा सीधा बुना है, अब फ्रंट साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये थी सेकेंड रो। अब आ गए थर्ड रो पर, अब ये रो पूरी उल्टी उल्टी ये भी बुनेंगे, ये बैक साइड से पूरी रो उल्टी उल्टी बुनेंगे। ये देखिए अब यहाँ से देखिए फ्रेंड डिज़ाइन देखिए, पहला फंदा स्लिप किया, इन दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से, धागे को एक बार सिलाई पर लपेटा, दो फंदों का एक किया। ये देखिए पहला फंदा हमने स्लिप किया, फिर दो फंदों का एक किया, फिर एक बार धागे को लपेटा, दो फंदों का एक किया, इसी तरह से ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक फंदा स्लिप किया, दो फंदों का एक किया था, अब यहाँ पर देखिए एक फंदा बचा हुआ है, यहाँ पर एक जाली बनेगी। ये देखिए यहाँ पर फंदा हमने घटाया था, यहाँ पर बढ़ा दिया है। आ गए बैक साइड पर, बैक साइड से ये रो पूरी सीधी सीधी बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरी सीधी सीधी बुन कर फिर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड दूसरा डिज़ाइन बनेगा, दूसरा डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए पहला फंदा ने बुन लिया इस तरह से, अब ये देखिए जाली में, ये देखिए इस तरह से स्लाइड डालकर ये तीन फंदा निकालेंगे। ये देखिए तीन फंदा निकाल लिया, दो फंदा स्लिप किया, फिर देखिए जाली में इससे तीन फंदा निकालेंगे, एक धागे को लपेटा दो हो गया, और एक ये तीन हो गया, दो फंदा स्लिप किया, फिर देखिए इसी तरह से एक धागा लपेटा दो, अब ये एक निकाला तीन, दो फंदा स्लिप किया, फिर देखिए एक बार धागा निकाला, धागे को सिलाई पर लपेटा दो, ये हो गया तीन, फिर दो फंदा स्लिप किया, फिर देखिए एक धागा निकला, एक बार लपेटा, फिर ये तीन हो गया, दो फंदा स्लिप किया। यहाँ पर भी देखिए एक धागा लपेटा दो, एक ये तीन फंदा स्लिप किया, एक फंदा ये बचा, इसको सीधा बुन लेंगे। अब आ गए बैक साइड पर, बैक साइड पर देखिए तीनों फंदा स्लिप करेंगे। ये देखिए तीन फंदा, दो पर्पल एक क्रीम कलर का, अब ये देखिए तीन फंदा ये और एक ये पर्पल, इन तीनों फंदों का एक करेंगे। ये देखिए ये देखिए डिज़ाइन इस तरह से आ गया, देख रहे हैं। अब इसमें है एक ये फंदा बुनेंगे पर्पल से, फिर ये पर्पल, ये दोनों एक फंदा लपेट धागे को एक बार लपेटेंगे सिलाई पर, इन दो फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से कितना प्यारा डिज़ाइन है, ये देखिए और ये देखिए। और देखिए फ्रेंड्स हमने इसको भी थोड़ा बना के रखा हुआ था, आप इसे चाहे टू कलर में बनाइए, आप चाहे तो मल्टी कलर में बनाइए, आपकी मर्ज़ी है, जितना कलर आप लगाना चाहें उतना कलर आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।